हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। मैं से सूर्य प्रकाश रंगी। बच्चों, आज हम सिटी वन जो आपका 13 क्लास का जेई का पेपर हुआ है उसका डिस्कशन करेंगे। तो पहले हम फिजिकल केमिस्ट्री वाले पोर्शन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। आपको गिवन है, यहाँ पर बताना है कि डिसप्रोपोर्शनेशन कौन सी है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज आर डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन डिसप्रोपोर्शनेशन है। तो पहले हम बात करें डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन या कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। सिंपली क्या होती है, रेडॉक्स रिएक्शन ही होती है। बट डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पर एक ही एलिमेंट दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस हो रहा होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। और कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है, दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट एक कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस हो रहा होता है। एग्जाम्पल के बेसिस पे देख लें, दोनों ही रिएक्शन क्या होती है, रेडॉक्स ही होती है। तो यहाँ पर देख लें, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, जीरो। यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, NaCl में Na का प्लस वन, Cl का माइनस वन, क्लोरीन यहाँ पे कितना होगा, प्लस फाइव, राइट। ऑक्सीडेशन नंबर तो आप डेफिनेटली देख सकते हैं। तो क्लोरीन यहाँ पर जीरो से माइनस वन में गया, रिड्यूस हो रहा है, क्लोरीन जीरो से प्लस फाइव में आ रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है। तो ऐसी रिडक्स रिएक्शन जिसमें एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है और रिडक्शन हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, राइट। इधर बात करें NH4NO2 में, यहाँ पे हमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर पता करना है, इसको हम कैसे ब्रेक कर दें, NH4+NO2-, राइट। तो NH4+ में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, -3, और NO2- में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +3, राइट। ऑक्सीडेशन नंबर आप यहाँ पे सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर ये -3 है, ये +3 है, तो -3 से नाइट्रोजन किस में जा रहा है, जीरो में, मींस -3 से 0 में गया तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ, तो ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर +3 से ऑक्सीजन किस में जा रहा है, 0 में, तो +3 से 0 में गया तो क्या हुआ, रिडक्शन। अब देखिए, यहाँ पे दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट एक कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट बात करें NH4NO3, अगेन यहाँ पर NH4+ एंड NO3- की बात करें, तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर कितना होगा, -3, और यहाँ पर कितना होगा, +5। तो -3 से यहाँ पे कितना होगा, N2O, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का -2, नाइट्रोजन का मिक्सचर कितना होगा, +2, तो एक का कितना होगा, +1। तो नाइट्रोजन -3 से +1 में गया, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ, तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। और नाइट्रोजन +5 से -1 में जा रहे, तो क्या हुआ, रिडक्शन। अब दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट एक कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट H3PO3 की बात करें, फॉस्फरस का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, यहाँ पर +3। यहाँ पर बात करें फॉस्फरस का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +5। यहाँ पर बात करें फॉस्फरस का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, -3, राइट। तो ऑक्सीजन यहाँ पे +3 से +5 में, सॉरी, फॉस्फरस +3 से +5 में गया, तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। फॉस्फरस +3 से -3 में जा रहा है, तो क्या हुआ, रिडक्शन। एक ही एलिमेंट दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस हो रहा है, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, राइट। तो यहाँ पे डिसप्रोपोर्शनेशन के लिए पूछा था, तो फर्स्ट एंड वन A and D आंसर यहाँ पर हो जाएगा, राइट। करते हैं क्वेश्चन नंबर 43। आपको गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज और आर पॉसिबल फॉर अ रियल गैस विच इज अबाउ इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर। यस, आपको क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर की बात की है, राइट। तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, वो टेम्परेचर जिसके ऊपर आप गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते, बट अभी यहाँ पर आइडियल बिहेवियर नहीं है। आइडियल बिहेवियर कब आता है, बॉयल टेम्परेचर है उससे ऊपर, राइट। तो अभी यहाँ पे आपको रियल बिहेवियर के अकॉर्डिंग ग्राफ की बात करनी है। तो फर्स्ट ग्राफ आपको दे रखा है कि यहाँ पे, अच्छा अभी हम यहाँ पे नॉर्मल, ये जो क्वेश्चन है वो आपके बिल्कुल नोट से निकला हुआ क्वेश्चन है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि आपको जेड का प्रेशर के साथ ग्राफ ड्रॉ किया था, तो इस तरह के ग्राफ आपको मिले थे। तो यहाँ पे आपको क्या बताया था, लो प्रेशर पे जेड का वैल्यू <1 होता है और हाई प्रेशर पे जेड का वैल्यू >1 होता है फॉर रियल गैस। तो यहाँ पे आपको जेड जो बताया था वो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ रियल गैस और वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस के रेशियो के बराबर होता है। तो अगर हम लो प्रेशर पे बात करें तो वॉल्यूम ऑफ रियल गैस कम है आइडियल के रेस्पेक्ट में, तो हम क्या बोलेंगे, एट लो प्रेशर जेड क्या होगा, <1, एट हाई प्रेशर जेड क्या होगा, >1। तो लो प्रेशर पे वॉल्यूम ऑफ रियल गैस क्या होगा, कम होगा, और हाई प्रेशर पे वॉल्यूम ऑफ रियल गैस क्या होगा, ज्यादा होगा। लो प्रेशर पे हम क्या बोल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ रियल गैस लेस देन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, और हाई प्रेशर पे क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ रियल गैस विल बी ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, राइट। तो पहले तो हम इस कंडीशन के अकॉर्डिंग बात करें, तो लो प्रेशर पे हम देखें कि यहाँ पे लो प्रेशर पे
किसका वो, अगर हमने सॉरी लो प्रेशर की हम बात करें और हाई प्रेशर की हम बात करें किसी भी एक के बेसिस पे कंपेयर करें, तो हम हाई प्रेशर पे देखना चाह रहे हैं हाई प्रेशर पे किसका वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए, रियल गैस का ज्यादा होना चाहिए राइट। तो जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा वो कौन होगा, रियल गैस होगा। और जब लो प्रेशर पे जिसका वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए वो कौन होना चाहिए, आइडियल गैस। तो यहाँ पे रियल गैस का ही वॉल्यूम आपको आइडियल से ज्यादा रहेगा, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन की हम बात करें, आपको हाई प्रेशर की बात की है, तो हाई प्रेशर पे इसका वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए रियल गैस का, तो इन्होंने इस ग्राफ को रियल गैस का बोला है, तो यहाँ ऊपर हाई प्रेशर वाला तो करेक्ट हो गया। अब हम लो प्रेशर की बात करें, तो लो प्रेशर पे किसका वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए, किसका, आइडियल गैस का, तो ये ग्राफ किसके लिए बोला इन्होंने, आइडियल गैस के लिए, तो ये वाला ऑप्शन बी करेक्ट होगा ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने कुछ इस तरह के ग्राफ दे रखे हैं, तो यहाँ पे जो बी और डी है वो तो क्या है, एक सिमिलर ग्राफ है, बट उन्होंने क्या किया आइडियल और रियल की पोजीशन चेंज कर दी, तो डी इनकरेक्ट हो जाएगा। अब हम सी ग्राफ के लिए बात करें कि आपको बताया था हाइड्रोजन और हीलियम इनके लिए जेड का वैल्यू क्या होता है, ग्रेटर देन 1 ठीक है। लो प्रेशर पे इनका वैल्यू कितना हो सकता है 1, जब प्रेशर जीरो हो जाए, हालांकि होता नहीं है, बट जब यहाँ पे प्रेशर जीरो होगा तो ही यहाँ पे जेड का वैल्यू क्या होगा, किसके बराबर, 1 के बराबर। अब देखिए जैसे इन्होंने क्या बोला है, बॉयल्स टेम्परेचर से ऊपर, सॉरी क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर की बात की है, तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, सॉरी यहाँ पे दे रखा है, जैसे जैसे आप प्रेशर यहाँ पर कम करेंगे, प्रेशर कम करेंगे, तो प्रेशर जैसे जैसे कम होगा इसका वॉल्यूम क्या होगा, किसकी तरफ अप्रोच करने, इसका जेड का वैल्यू किसकी तरफ अप्रोच करने लगेगा, 1 की तरफ। यहाँ पे जो ये लाइन है, पहला लाइन है, किसको रिप्रेजेंट करता है, जेड इक्वल टू 1। तो जैसे जैसे प्रेशर कम होगा यहाँ पर जो जेड होता है रियल गैस का, यानी हाइड्रोजन और हीलियम, वो किसकी तरफ अप्रोच करता है, 1 की तरफ अप्रोच करता है। यानी लो प्रेशर पे हाइड्रोजन और हीलियम किसी तरह बिहेव करना शुरू कर सकते हैं आइडियल गैस की तरह, कब, जब प्रेशर लो हो रहा हो। तो यहाँ पर एक ग्राफ आपको बोला है ये वाला किसके लिए, रियल गैस के लिए, और ये बोला है आइडियल गैस के लिए। तो आइडियल गैस के लिए तो पीवी ग्राफ आपको पता है, पी क्या होता है, वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और यहाँ पे अगर ये रियल के लिए बोला है, तो जैसे जैसे आप यहाँ पे प्रेशर कम करेंगे, रियल गैस का बिहेवियर ये किसके लिए होगा, H2N हीलियम के लिए, तो इसका बिहेवियर किसके जैसा होने रहेगा, आइडियल के जैसा, तो ये वाला ऑप्शन भी क्या होगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 आपको गिवन है, और करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है, चार ऑप्शन गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन की बात करें, फॉर अ वंडरवॉल गैस विद बी इक्वल टू 0 एट ए नॉट इक्वल टू 0 जेड इज लेस देन 1, तो इसको देखने के लिए वंडरवॉल इक्वेशन की बात करें क्या होता है, पी प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, एन का वैल्यू 1 ले लेते हैं, वी माइनस एन बी, तो एन का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो बी रह जाएगा इक्वल टू आर टी राइट। अब इन्होंने बोलते हैं बी को जीरो कर दो, तो बी को यहाँ पे अगर जीरो कर देंगे तो बचेगा क्या, वी, वी को मल्टीप्लाई कीजिए क्या हो जाएगा, पी वी प्लस ए अपॉन वी इक्वल टू आर टी, वी को आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको बोला है ये जेड की टर्म में बताना है, तो जेड लाने के लिए आप क्या करें, यहाँ पे बहुत सारे आर टी से डिवाइड कीजिए, तो पी वी अपॉन आर टी क्या होगा, जेड, जेड इक्वल टू पी वी अपॉन आर टी, आर टी से आपने डिवाइड किया, बचा क्या यहाँ पे 1, और ये क्या बचा है ए अपॉन वी आर टी को तो भेजिए 1 माइनस ए अपॉन वी आर टी, तो अगर बी यहाँ पे नेग्लिजिबल है तो एक यहाँ पे नेग्लिजिबल नहीं होगा, तो जेड क्या हो जाएगा 1 माइनस ए अपॉन वी आर टी, तो 1 में से कुछ वैल्यू कम हो रहा है, तो यहाँ पे जेड क्या होगा लेस देन 1, जेड का वैल्यू लेस देन 1, यानी ये कौन सी कंडीशन में है, लो प्रेशर कंडीशन में राइट। सेकंड कंडीशन की हम बात करें, बोला है वैल्यू ऑफ वंडरवॉल कॉन्स्टेंट ए एंड बी फॉर अ गैस डिपेंड्स अपॉन गैस टेकन, तो ए क्या होता है अट्रैक्टिव फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, तो अट्रैक्टिव फोर्स डिफरेंट डिफरेंट गैस में डिफरेंट डिफरेंट होता है, तो अगर गैस डिफरेंट है तो ए का वैल्यू भी क्या होगा डिफरेंट ही होगा, और बी क्या होता है 4 × 4/3 पाई आर क्यूब इंटू एन ए, तो यहाँ पे आर किस पे डिपेंड करेगा, जो भी गैस है उसके पार्टिकल का एक मॉलिक्यूल का रेडियस क्या है, तो डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल का साइज क्या होगा डिफरेंट डिफरेंट होगा, तो आर का वैल्यू भी क्या होगा डिफरेंट होगा, तो डिफरेंट डिफरेंट गैस के लिए बी का वैल्यू भी क्या होगा डिफरेंट होगा, तो ये वाला ऑप्शन भी क्या होगा करेक्ट होगा, दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। अब बोला है एट बॉयल्स टेम्परेचर एंड एट ऑल प्रेशर जेड इज ग्रेटर और इक्वल टू 1, तो बॉयल्स टेम्परेचर क्या है, वो टेम्परेचर जिस पर रियल गैस आइडियल बिहेवियर शो करना शुरू करती है, बट कंडीशन क्या होगा लो प्रेशर, क्योंकि हमने जब डेरिवेशन किया था वीरियल इक्वेशन से, तो लो प्रेशर कंडीशन पे आपने क्या बोला था कि जिस टेम्परेचर पे गैस का बिहेवियर आइडियल होगा वो टेम्परेचर क्या होगा बॉयल्स टेम्परेचर, अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो फिर बिहेवियर रियल नहीं रहेगा। आपको ग्राफ ड्रॉ किया था जेड का प्रेशर के साथ, तो यहाँ पे लो प्रेशर पे जेड का वैल्यू ये किस कंडीशन में था बॉयल्स टेम्परेचर पे, लो प्रेशर पे जेड का वैल्यू क्या था 1 के बराबर, हाई प्रेशर पे जेड का वैल्यू क्या मिला था ग्रेटर देन 1, तो ये कंडीशन क्या बोल रही है एट ऑल प्रेशर यानी लो प्रेशर हाई प्रेशर दोनों कंडीशन की बात कर रहे हैं, तो इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 1 दोनों कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई होगी राइट। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिक्विफाइंग टेंडेंसी,
लिक्विफाइंग की टेंडेंसी मीन्स लिक्विफाई होने की टेंडेंसी। तो लिक्विफाई होने की टेंडेंसी किस पर डिपेंड करेगी? अट्रैक्टिव फोर्स पर। तो जितने ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होंगे लिक्विफाई होने की टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा होगी। तो अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तो इसमें लिक्विफाई होने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी। देन O2 और H2 में आप किसके बेसिस पे बात करेंगे? यहाँ पे मोलर मास के बेसिस पे, साइज के बेसिस पर। जितना बड़ा ज्यादा मोलर मास है, जितनी बड़ी साइज होगी, तो साइज बड़ी होगी तो वंडरवॉल फोर्सेस भी क्या होंगे? ज्यादा होंगे। वंडरवॉल फोर्सेस किस पे डिपेंड करते हैं? सरफेस एरिया पर। तो O2 का सरफेस एरिया क्या होगा? H2 से ज्यादा होगा। H2 तो क्या होता है? बहुत ही छोटा मॉलिक्यूल होता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा इसलिए अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होंगे। इन दोनों के बीच में अगर हम अट्रैक्टिव फोर्स को कंपेयर करें तो मोलर मास इसका होगा यहाँ पे केवल वंडरवॉल फोर्सेस है, यहाँ पर डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है। तो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स अमोनिया में होगा, फिर O2 में होगा, फिर H2 में होगा। तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं। बहुत ही इजी है, एटॉमिक स्ट्रक्चर से केवल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के बेसिस पर क्वेश्चन है। बोला है करेक्ट कॉन्फिगरेशन ऑफ द ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट में करेक्ट कॉन्फिगरेशन आपको बताना है। तो ऑक्सीजन कितना है? 8। तो इसका कॉन्फिगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2 2p, कितना हो गया ये? 4, राइट। तो हीलियम 1s2 के लिए आपको दे रखा है 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p में कितने? 4 इलेक्ट्रॉन। अब हुंसोल क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन को पहले 1 by 1 करके फिल करना है, फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पिन होना चाहिए। तो यहाँ पे स्पिन का डायरेक्शन इनिशियल से कुछ भी हो सकता है, इनिशियल में आप क्लॉकवाइज फिल करो या एंटी क्लॉकवाइज, बट जब आप पेयरिंग करेंगे तो ऑपोजिट डायरेक्शन में ही फिल होगा। तो पहले 3 इलेक्ट्रॉन इसने एंटी क्लॉकवाइज फिल किया, फिर 4th इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज फिल किया, तो ये कॉन्फिगरेशन क्या होगा? करेक्ट होगा, ठीक है। कैल्शियम 20, एटॉमिक नंबर कितना है? 20। तो आर्गन का कितना होता है? 18। तो 18 का कॉन्फिगरेशन लिखिए, इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए हैं। तो फिर भी देख लीजिए 18 तक क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। तो 4s में कितना? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉक और एंटी क्लॉक दोनों प्रेजेंट है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बोला है आयरन 26 एटॉमिक नंबर है 2+। तो पहले हम आयरन 26 की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक आयरन कितना है 18 के लिए गिवन है। तो 26 का क्या होगा? 1s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d6, ये इसका कितना हो गया? 10 20 26 इलेक्ट्रॉन फिल हो गया है, राइट। तो ये यहां से यहां तक का तो किसके लिए है? आर्गन के, सॉरी, यहां से यहां तक तो किसके लिए? आर्गन के लिए, 18 इलेक्ट्रॉन के लिए। अब Fe2+ की जब हम बात करेंगे, तो जब आपको 2 इलेक्ट्रॉन निकालना होता है तो आउटर मोस्ट शेल से निकाला जाता है। तो आउटर मोस्ट शेल कौन है? 4s। तो 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो बचा हुआ कॉन्फिगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s में 0, बचा कितना? 3d में कितना? 6 इलेक्ट्रॉन, 4s0, क्योंकि 2 ही तो इलेक्ट्रॉन निकाला था। तो यहाँ पे इन्होंने 4s में इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया है, इन्होंने जो इलेक्ट्रॉन निकाला वहां 3d से निकाला है, जो 3d से निकालना क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा, 4s से निकाला जाएगा। फ्लोरीन 9, तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, एटॉमिक नंबर 9 है। 1s2 2s2 एंड 2p, कितना हो गया ये? 5। तो 1s2 हीलियम के लिए है, 2s2 दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन है, देन 2p5 1 2 3 4 5, तो 3 इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज 2 एंटी क्लॉकवाइज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 गिवन आपको। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ टू गैस x एंड y इन द रेशियो ऑफ 1:5 एंड रेट ऑफ y एंड z इन द रेशियो ऑफ 1:6 अंडर सिमिलर कंडीशन। सिमिलर कंडीशन मींस प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन क्या होगी? सिमिलर होगी। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन आपको गिवन है 4 ऑप्शन। मोलर मास का रेशियो दे रखा है और रेट ऑफ डिफ्यूजन का रेशियो दे रखा है। तो फर्स्ट हम बात करें, इन्फॉर्मेशन गिवन है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ x एंड रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ y 1:5 के रेशियो में है, एंड रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ y एंड रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ z इनका रेशियो 1:6 है। तो यहाँ पे मोलर मास के रेशियो की पहले बात करें कि यार रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है, मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है या वेपर डेंसिटी के रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है या डेंसिटी के रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अभी हमें मोलर मास का रेशियो पूछा है, तो मोलर मास देख लेते हैं। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ x अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ y क्या होगा? रूट ऑफ मोलर मास ऑफ y अपॉन रूट ऑफ मोलर मास ऑफ x, राइट। तो यहाँ पे रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ x एंड y आपको पता है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ x अपॉन y कितना होगा? 1/5 will be equal to molar mass of y upon molar mass of x। तो यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर कर दीजिए, तो आपको molar mass of y and molar mass of x मिल जाएगा। molar mass of y upon molar mass of x कितना होगा? 1/25। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो बाकी भी देख लेते हैं। molar mass of z and y की बात की है, तो यहाँ पे molar mass rate of diffusion क्या होगा? rate of diffusion of y upon rate of diffusion of x, sorry, z क्या होगा? root of molar mass of z upon molar mass of y
तो जेड और वाई का मोलर मास निकालना है, तो इनका रेशियो कितना है 1/6, तो मोलर मास ऑफ जेड अपॉन मोलर मास ऑफ वाई ये कितना होगा 1/36, राइट। तो ये सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट आपको पूछा है मोलर रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ जेड अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एक्स, तो उसके लिए क्या करें, आपको गिवन है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एक्स अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ वाई इसके बराबर है 1/5 के बराबर। एक इंफॉर्मेशन आपको गिवन है फोर्थ ऑप्शन के लिए हम बात कर रहे हैं, और दूसरा इंफॉर्मेशन क्या है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ वाई अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ जेड कितना है 1/6। ठीक है, आपको किसके बीच में रिलेशन निकालना है, जेड के बीच में और एक्स के बीच में। ठीक, तो अभी हम क्या करें, इस वाई को हटाना है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वाई हट जाएगा, तो क्या होगा रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एक्स अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ वाई इंटू रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ वाई अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ जेड इक्वल टू कितना होगा 1/5 इंटू 1/6 1/30। तो वाई से वाई कैंसिल आउट हो गया, आपको किसके बीच में, जेड और एक्स के बीच में, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ जेड अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एक्स कितना होगा 30 के इक्वल, राइट। तो मीन डी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 आपको गिवन है, द नंबर ऑफ ऑर्बिटल अमंग द फॉलोइंग हैविंग जीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अलोंग जेड एक्सिस, तो आपको बताना है कि यहाँ पे जो गिवन ऑर्बिटल उसमें से कितने ऑर्बिटल का जेड एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी जीरो है। तो ये बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन था, अगर आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर पता हो, वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का स्ट्रक्चर पता हो पर्टिकुलर ऑर्बिटल में, तो आप इजिली जेड एक्सिस का लॉन्ग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है या नहीं है वो देख सकते हैं। तो फर्स्ट गिवन है 3pz, pz क्या होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जेड एक्सिस का लॉन्ग होता है, तो इन्होंने पूछा है जेड एक्सिस का लॉन्ग जीरो होना चाहिए, इसमें तो जेड एक्सिस पे ऑर्बिटल ही प्रेजेंट है तो जीरो नहीं होगा, राइट। 2px, तो यहाँ पे 2px में क्या है, x एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जेड एक्सिस पे कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, यहाँ पे नोड से नोड के थ्रू पास हो रहा है, यहाँ पे जो पॉइंट होगा मिड पॉइंट वहां पे क्या होगा नोड होगा, तो जेड एक्सिस पे कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, तो ये वो ऑर्बिटल होगा जिसमें जेड एक्सिस पे कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होगी। एक्स वाई, तो यहाँ पे डी एक्स वाई ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो एक्स वाई एक्सिस के बीच में 45 डिग्री एंगल पर होती है, कोई जेड एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, तो इसमें भी जेड एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा जीरो। डी वाई जेड में ऑर्बिटल y और z एक्सिस के बीच में कितने पे होता है 45 डिग्री पर, z एक्सिस पे कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होती, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होगी। 4s, अब s क्या होता है, स्फेरिकल होता है, इसमें x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस तीनों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट होती है, स्फेरिकल शेप का होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है, राइट। तो इसमें सभी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट होती है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, z एक्सिस पे नहीं है, तो ये भी आंसर हो जाएगा। dxz के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, जेड पे नहीं होती, तो ये भी आंसर हो जाएगा। 4py, वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, अगर हम जेड एक्सिस की बात करें तो जेड एक्सिस पे कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, तो ये भी आंसर हो जाएगा। तो आपसे पूछा टोटल कितने ऑर्बिटल, 1, 2, 3, 5, 6, तो 6 ऑर्बिटल होंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जेड एक्सिस पर जीरो होगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 गिवन आपको, इन द बैलेंस केमिकल रिएक्शन लोएस्ट पॉसिबल इंटीजर के बेसिस पर आपको बताना है ए प्लस सी का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे एक रेडॉक्स रिएक्शन गिवन है, सिंपली आपको बैलेंस करना है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। एच प्लस गिवन है तो मीन एसिडिक मीडियम में आपको बैलेंस करना है। ए क्या है, आई माइनस का कोफिशियंट, सी क्या है, एच टू का कोफिशियंट, मीन अगर आपको आई माइनस और एच टू के यहाँ पे मोल्स पता है तो आप उनका एडिशन करके इजिली आंसर निकाल सकते हैं। तो रिएक्शन को दो पार्ट में बैलेंस ब्रेक करना है, यहाँ अभी एच प्लस और एच टू को हटा दो, बैलेंसिंग के बाद अपने आप आ जाते हैं। तो यहाँ पे रिएक्शन क्या होगी, आई ओ थ्री माइनस से क्या बन रहा है आई टू, एंड आई माइनस ए क्या बन रहा है आई टू, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर प्लस फाइव से जीरो, तो ये रिडक्शन की रिएक्शन हो गई है, और यहाँ पर माइनस वन से जीरो, तो ये ऑक्सीडेशन का रिएक्शन हो गया। ठीक है, तो दो डिफरेंट रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन, दोनों को बैलेंस कीजिए। तो अगर हम यहाँ पे फर्स्ट रिडक्शन की बात करें तो आई ओ थ्री माइनस से क्या बन रहा है आई टू बन रहा है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होती है, जो भी एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है वो बोथ साइड बराबर होना चाहिए। आयोडीन कितना है यहाँ पे टू, यहाँ पे भी कितना होना चाहिए टू। नेक्स्ट स्टेप क्या होती है, ऑक्सीजन बैलेंस करना होता है बाय वाटर मॉलिक्यूल, कितना ऑक्सीजन है यहाँ पे सिक्स, तो यहाँ पे कितना वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना चाहिए सिक्स एच टू, राइट। नेक्स्ट स्टेप क्या होती है, हाइड्रोजन बैलेंस करना होता है बाय एच प्लस, इधर कितना हाइड्रोजन टोटल 12, तो इधर कितना एच प्लस होगा 12H+, राइट। नेक्स्ट स्टेप क्या होती है, चार्ज बैलेंस करना होता है बाय इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे अगर हम देखें इधर टोटल कितना चार्ज है प्लस 12 माइनस 2 प्लस का 10 चार्ज है, राइट। इधर कितना है जीरो, तो यहाँ पे आपको कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करने होंगे कि दोनों तरफ चार्ज बराबर हो जाए, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ये रिएक्शन हाफ रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे आप देख लीजिए सभी एलिमेंट बैलेंस है, सभी चार्ज यहाँ पर बैलेंस्ड है। अगर हम ऑक्सीडेशन की बात करें तो ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, आई माइनस से क्या बन रहा है आई टू बन रहा है। सबसे पहले चार्ज सॉरी एलिमेंट बैलेंस कीजिए, जो ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहा है, कितना आयोडीन होगा दो,
राइट। नेक्स्ट, क्या ऑक्सीजन है? नहीं है। क्या हाइड्रोजन है? नहीं है। यहाँ पे अब फाइनली क्या बचा है, चार्ज बैलेंस करना, इधर टू माइनस का है, इधर टू इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। नेक्स्ट स्टेप क्या होती है, दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो बराबर होना चाहिए, इधर 10 इलेक्ट्रॉन इधर 5 इलेक्ट्रॉन, तो हम क्या करें यहाँ पर इसको अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या बचेगा यहाँ पर, 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो फाइनल इक्वेशन क्या होगी रिडक्शन वाली, तो 2IO3 माइनस प्लस 12H प्लस प्लस 10 इलेक्ट्रॉन क्या बन रहा है, I2 प्लस 6H2O, और यहाँ पे कितना होगा 10I माइनस से क्या बनेगा 5I2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट होना जरूरी है, जो बचा हुआ है उनका एडिशन कर दीजिए, कितना है यहाँ पर 2IO3 माइनस प्लस 10I माइनस प्लस 12H प्लस क्या बन रहा है 6I2 प्लस 6H2, राइट। तो बैलेंस इक्वेशन आपको मिल रही है, बट आपको यहाँ पे क्या पूछा है, बोला गया है विद लोएस्ट पॉसिबल इंटीजर, तो अभी यहाँ पे इसको लोएस्ट पॉसिबल इंटीजर में हमें चेंज करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम क्या करें, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दें तो लोएस्ट पॉसिबल इंटीजर में आ जाएगा, अगर 2 से डिवाइड कर दें तो क्या बनेगा IO3 माइनस प्लस 5I माइनस प्लस 6H प्लस क्या बना लेगा 3I2 प्लस 3H2, राइट। तो ये लोएस्ट पॉसिबल इंटीजर में आपको ये बैलेंस इक्वेशन मिल गई है, इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, केवल कोफिशिएंट का डिफरेंस है, फिर भी ये रिएक्शन बैलेंस है। अब देख लीजिए I माइनस का कोफिशिएंट कितना है 5 और H2 का कोफिशिएंट कितना है 3, तो 5 प्लस 3 क्या हो जाएगा 8, तो 8 विल बी योर आंसर, राइट। नेक्स्ट 53 की बात करें, 53 आपको गिवन है यहाँ पर, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन इज 0.5, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आपको गिवन है सॉल्यूशन में, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट 0.25 गिवन है, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, तो आपसे पूछा है मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा हैविंग 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, अगर सॉल्यूट का मोल्स 1 हो, राइट। ये पूछा है व्हाट विल बी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी यहाँ पे बोला है व्हाट विल बी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज 1, तो बिल्कुल इजी है, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कितना है 0.25 यानी 1/4 इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है 1 अपॉन 1 प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, तो यहां से आपको मोल्स ऑफ सॉल्वेंट मिल जाएगा कितना 3। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड था, कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं थी, फॉर्मूला नहीं लगाते तो भी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते थे कि अगर 1 मोल यहाँ पे मोल फ्रैक्शन कितना है सॉल्यूट का 0.25 यानी टोटल मोल का सॉल्यूट कितना होगा 0.25 होगा, तो टोटल मोल का कितना हो गया 0.25 यानी 1, तो यानी टोटल मोल कितने होंगे 4, अगर टोटल मोल 4 है तो सॉल्वेंट के कितने होंगे 3, राइट। सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, आपको एक इक्वेशन गिवन है, चेक कीजिए क्या है बैलेंस है, क्या है बैलेंस इक्वेशन गिवन है, 2H2O3 की रिएक्शन 3UO2NO3 होल ट्वाइस से हो रही है, U3O8 बन रहा है प्लस 6NO2 बन रहा है प्लस 2H2O5 यहां पर प्रोड्यूस हो रहा है, राइट। तो बैलेंस इक्वेशन आपको क्या इन्फॉर्मेशन देता है कि 2 मोल इसका रिएक्ट हो रहा है 3 मोल इसका रिएक्ट हो रहा है, तो जब इसका 2 मोल इसका 3 मोल रिएक्ट होगा तो कितना बनेगा 1 मोल यहाँ पे U3O8 का बनेगा, 6 मोल NO2 का बनेगा एंड 2 मोल ऑफ H2O5 यहाँ पर बनने वाला है, राइट। अब पूछा क्या गया है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन करेक्ट बेस्ड ऑन द इक्वेशन, तो इक्वेशन के बेसिस पे कौन कौन से कंक्लूजन यहाँ पर करेक्ट होंगे, तो फर्स्ट है मास रेशियो ऑफ H2O3 एंड UO2NO3 होल ट्वाइस प्रेजेंट इज 2:3, ये देखिए यहाँ पे इनिशियली रिएक्टेंट कितना लिया गया होगा वो आपको कुछ भी पता नहीं है, कितना लिया गया है और कितना प्रोड्यूस हुआ है, कितना लिया गया और कितना रिएक्ट कर गया है उसका कोई इन्फॉर्मेशन आपको गिवन नहीं है, तो इनिशियली कितना प्रेजेंट था या रिएक्शन के बाद रिएक्टेंट कितना प्रेजेंट होगा उसके बारे में आप कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते, कितना बचा हुआ है उसके बारे में आप कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते क्योंकि आपको इनिशियली पता ही नहीं था इनिशियली रिएक्टेंट कितना है, तो आपको बोला है मास रेशियो ऑफ H2O3 एंड UO2NO3 होल ट्वाइस प्रेजेंट इज 2:3, तो क्या इसका मास रेशियो 2:3 प्रेजेंट होगा क्या, वो आप बोल सकते हैं क्या, नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि आपको पता ही नहीं है इनिशियली कितना कितना था और कितना रिएक्ट कर गया, ठीक है, तो फर्स्ट वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड बोला है मोल रेशियो ऑफ H2O3 एंड UO2NO3 होल ट्वाइस प्रेजेंट इज 2:3, यहाँ पर ये बोलना कि
जो बचा हुआ जो प्रेजेंट मोल रेशियो है, बचा हुआ मोल रेशियो इन दोनों का वो 2:3 होगा। अगर हम ऐसा बोलें कि जो रिएक्ट किया गया है उनका मोल रेशियो 2:3 होगा तो वो स्टेटमेंट करेक्ट होगा, बट यहाँ पे बचा हुआ का मोल रेशियो 2:3 होना उसका हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कितना इनिशियली लिया था और कितना बचा हुआ है। तो बचे हुए के बारे में या कितना अमाउंट प्रेजेंट होगा उसके बारे में रिएक्टेंट के लिए हमको इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उसके बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते। थर्ड स्टेटमेंट बोला है मास रेशियो ऑफ H2O3N UO2NO3 twice reacted is 2:3। यहाँ पे बोला है कि मास का रेशियो जो रिएक्ट किया गया होगा 2:3 के रेशियो में होगा। मास का रेशियो 2:3 में रिएक्ट नहीं किया है, किस रेशियो में रिएक्ट किया है? मोल के रेशियो में। तो मोल के रेशियो में बोलना सही होगा बट मास के रेशियो में बोलना सही नहीं होगा। फोर्थ स्टेटमेंट है मोल रेशियो ऑफ UO2NO3 होल ट्वाइस एंड U3O8 प्रेजेंट इन द मिक्सचर इज 3:8। यस, यहाँ पे हमें ये पता नहीं कि इसके कितने मोल्स प्रोड्यूस रिएक्ट किए गए हैं, यानी कितने मोल्स रिमेनिंग है और इसके कितने मोल्स प्रेजेंट है वो तो हम बोल ही नहीं सकते। अगर आपको बोल दे कि कंप्लीट रिएक्शन हो जाती है, अगर कंप्लीट रिएक्शन होती है तो यहाँ पे जितने रिएक्ट किए गए हैं और जितने प्रोड्यूस हुए हैं उनका मोल रेशियो 3:1 होगा। आपको जो डी ऑप्शन में गिवन है तो ये क्या बोला है, मोल रेशियो ऑफ UO2NO3 इन रिएक्शन मिक्सचर। रिएक्शन मिक्सचर के अंदर जितना बचा हुआ है और जितना प्रोड्यूस हुआ है उनका मोल रेशियो क्या है, 3:1। इन्होंने बोला रिएक्शन मिक्सचर के अंदर, ठीक है। तो ये कितना बचा हुआ है वो तो आपको पता ही नहीं है और ये कितना प्रोड्यूस हुआ है वो भी आपको पता नहीं है। आप ये जरूर बोल सकते हैं कि जो रिएक्ट हुआ है और जो प्रोड्यूस हुआ है, रिएक्टेड एंड प्रोड्यूस, जो रिएक्ट हो रहा है और जो प्रोड्यूस हुआ है उनका रेशियो 3:1 होगा, बट कितना रिएक्शन मिक्सचर में है और ये कितना बना हुआ है उसका आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इन दोनों के बीच में रिएक्शन में कितना प्रेजेंट होगा उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप उसके रेशियो के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। आप इन्फॉर्मेशन किसके बारे में दे सकते हैं, कितने मोल्स रिएक्ट हुए हैं और कितने प्रोड्यूस हुए हैं उनका रेशियो। अगर 3 रिएक्ट हुए हैं तो 1 प्रोड्यूस होगा, राइट। तो वहां पे लैंग्वेज को समझने की कोशिश करिए। नेक्स्ट, ई ऑप्शन गिवन है मास रेशियो ऑफ UO2NO3 twice एंड U3O8 इन द रिएक्शन मिक्सचर। अगेन इसका और इसका रिएक्शन मिक्सचर के अंदर कितना कितना मास प्रेजेंट है उसका रेशियो गिवन है, तो इसका कितना मास प्रेजेंट है वो आपको पता नहीं है, इसका कितना प्रोड्यूस हुआ है वो भी पता नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। एफ बोला है मोल रेशियो ऑफ NO2 एंड U3O8 फॉर्मड, मोल रेशियो ऑफ NO2 एंड U3O8 फॉर्मड 6:1। यस, यहाँ पे कितने मोल्स, जितने भी मोल्स बने होंगे, बट यहाँ पे जब मोल्स बनेंगे 1:6:2 के रेशियो में ही बनने वाले हैं। यहाँ पे जब रिएक्ट होंगे तो 2:3 के रेशियो में ही रिएक्ट होंगे। बचे हुए कितने मोल्स हैं वो आपको पता नहीं है, बट कितने रिएक्ट होंगे 2:3 के रेशियो में, कितने प्रोड्यूस होंगे 1:6:2, तो इन दोनों का रेशियो बोला है तो इन दोनों का रेशियो तो क्या होगा, 6:1 ही होगा, क्योंकि इनिशियली ये प्रेजेंट नहीं था, केवल वही रहेगा रिएक्टेंट इनिशियली। तो इनके जो मोल्स बने होंगे वो 6:1 के रेशियो में बने होंगे। जी बोला है मोल रेशियो ऑफ H2O5, मोल रेशियो ऑफ H2O5 एंड H2O3 एंड H2O5, H2O3 एंड H2O5 इन द रिएक्शन मिक्सचर ऑलवेज, सॉरी जी ऑप्शन की बात करें, जी बोला है मोल रेशियो ऑफ H2O5 एंड H2O3 प्रेजेंट इन द रिएक्शन मिक्सचर 1:1। तो बोला है यहाँ पे H2O5 और H2O3 का मोल रेशियो जो रिएक्शन मिक्सचर में है, रिएक्शन मिक्सचर में प्रेजेंट है, वो 1:1 होगा। अगेन रिएक्टेंट के बारे में आप कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते कि रिएक्टेंट इनिशियली कितना लिया था और कितना रिएक्ट हो गया, कितना बचा हुआ है। हम ये बोल सकते हैं कि जितना रिएक्ट हुआ था और जितना प्रोड्यूस हुआ है उनका रेशियो 1:1 होगा, बट कितना प्रेजेंट है उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। इनिशियली रिएक्टेंट कितना लिया था, कितना रिएक्ट कर गया आपको पता ही नहीं है ना, तो इसका कितना मोल्स प्रेजेंट है और इसका कितना प्रेजेंट है उनके रेशियो के बारे में आप कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। हो सकता है इसके इनिशियली 10 मोल लिए हों, हो सकता है इनिशियली इसके 10 मोल लिए हों बट केवल 2 ही मोल रिएक्ट किए हों। अगर इसके 2 मोल रिएक्ट करेंगे तो इसके कितने मोल्स बनेंगे, 2 मोल, तो इनिशियली उसके लिए थे 10, बचे हुए कितने 8, इसके कितने प्रोड्यूस हुए 2, तो रेशियो क्या होगा 4:1। तो यहाँ पे कितने बचे हुए हैं और कितने प्रोड्यूस हुए हैं उसके बारे में आप यहाँ पे रेशियो डिफाइन नहीं कर सकते। डिफाइन किसके बीच में कर सकते हैं, कितना रिएक्ट हो रहा है और कितना प्रोड्यूस हो रहा है, तो जितने मोल्स रिएक्ट हुए और जितने प्रोड्यूस हुए उनका रेशियो क्या होगा 1:1, ठीक है। नेक्स्ट बोला है एच सम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O3 एंड H2O5 इन द रिएक्शन मिक्सचर इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। यस, देखिएगा अगर हमने इनिशियली इसके 10 मोल लिए, अगर 10 में से 2 रिएक्ट हुए तो यहाँ पे कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, 2,
तो इनिशियली 10 लिए थे, दो रिएक्ट हुए, दो प्रोड्यूस हुए, तो इनिशियली 10 मोल थे, रिएक्ट करने के बाद इसका कितना बचा 8, इसका कितना प्रोड्यूस हुआ 2, तो अभी भी टोटल कितना है 10, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स इसके इनिशियली जितने थे और रिएक्ट होने के बाद इसके जितने प्रोड्यूस होंगे उनके मोल्स का सम तो क्या रहना है, कॉन्स्टेंट ही रहना है, क्योंकि दोनों का स्टोइकोमेट्री क्या है यहाँ पर सिमिलर है। ठीक है, नेक्स्ट बोला है सम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ UO2NO3O2 and U3O8 इन द रिएक्शन मिक्सचर ऑलवेज कॉन्स्टेंट। क्या हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा? अगर इसका 3 मोल लिया है तो इसका कितना बनेगा? अगर इनिशियली इसका 3 मोल लिया है तो इसका कितना बनेगा? 3 मोल से कितना बनना है? 1 मोल। तो इनिशियली 3 मोल था, फाइनली 1 मोल है, तो क्या नंबर ऑफ मोल्स कॉन्स्टेंट है क्या? नहीं, क्योंकि स्टोइकोमेट्री ही डिफरेंट है। अगर स्टोइकोमेट्री सिमिलर होती तो यहाँ पे हम बोल सकते थे इनिशियली जितने मोल्स लिए हैं और फाइनली जितने बन रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग टोटल मोल्स क्या रहेंगे? हमेशा सिमिलर रहेंगे। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन कौन सा करेक्ट होगा? केवल ऑप्शन एफ करेक्ट होगा एंड एच करेक्ट होगा, राइट। नेक्स्ट 56 की बात करें, गिवन है आपको हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग गैस इज मोर कंप्रेसिबल देन आइडियल गैस। गैस इज मोर कंप्रेसिबल, इसका मींस क्या होगा? गैसेस मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होंगे, अट्रैक्टिव फोर्स होंगे यानी वॉल्यूम ऑफ रियल गैस क्या होगा? आइडियल से कम, मींस हम जेड लेस देन 1 की बात कर रहे हैं। तो जहां पे जेड लेस देन 1 आपको मिल रहा होगा वहां पे गैस क्या होगी? मोर कंप्रेसिबल होगी। तो फर्स्ट कंडीशन गिवन है, O2 हैज डेंसिटी 20 ग्राम पर लीटर एट 1080 एंड 300 केल्विन। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि आपको डेंसिटी ऑफ गैस गिवन है, सॉरी डेंसिटी ऑफ गैस गिवन है, तो हम क्या करें यहाँ पे जेड का वैल्यू निकाल लें। जेड आप कैसे निकाल सकते हैं? जेड क्या होगा? पीएम अपॉन आरटी, अगर एन का वैल्यू 1 होता है तो पीएम अपॉन आरटी, और अगर एन रख दें तो पीएम अपॉन एनआरटी, यही जेड होगा। अगर ये दोनों बराबर हुए तो आइडियल गैस होता है। जेड का वैल्यू 1 होने का मीन्स क्या है? इन दोनों का वैल्यू बराबर होना। अब क्या हम यहाँ पे सॉरी पीवी अपॉन एनआरटी, राइट, तो क्या इसमें हम डेंसिटी टर्म इंट्रोड्यूस कर सकते हैं क्या? यस बिल्कुल कर सकते हैं। तो जेड क्या होगा? पी वी मोल्स को आप क्या ले सकते हैं? मास बाय मोलर मास इनटू आरटी, तो मास बाय वॉल्यूम क्या होगा? डेंसिटी। तो जेड क्या होगा? पी एम डब्ल्यू अपॉन डी आरटी, राइट। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? जेड का वैल्यू निकाल लीजिए। अगर जेड का वैल्यू लेस देन 1 आता है तो यहाँ पे मोर कंप्रेसिबल होगी। प्रेशर कितना दे रखा है आपको? 1080 एम। मोलर मास ऑक्सीजन का कितना होगा? 32 अपॉन डेंसिटी कितना है? तो पुट करें, प्रेशर कितना गिवन है आपको? 1080 एम। मोलर मास कितना ऑक्सीजन का? 32 अपॉन डेंसिटी कितना दे रखा है आपको? 20 इंटू आर कितना? 1/12। टेम्परेचर कितना है? 300 केल्विन। तो कैंसिल आउट कर दें, कितने टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा? 25 टाइम्स 20 से 10 16/25। तो ये जेड कितना आ रहा है? 0.064 के लगभग। Yes, तो यहाँ पे जेड क्या आ रहा है? लेस देन 1। तो अगर जेड लेस देन 1 आ रहा है तो इसका मीन गैस क्या होगी? मोर कंप्रेसिबल होगी, राइट। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? करेक्ट होगा, इसमें आपको गैस क्या होगी? मोर कंप्रेसिबल मिल रही होगी। सेकंड ऑप्शन की बात करें, N2 गैस है 280 एम एंड 273 केल्विन, ऑक्यूपाई मोलर वॉल्यूम 6 लीटर। अब यहाँ पे आपको जेड का वैल्यू आप किसके बेसिस पे देख सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ रियल गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। ठीक है, तो आपको दे रखा है कि N2 गैस है 280 एम एंड 273 केल्विन, ऑक्यूपाई मोलर वॉल्यूम 6 लीटर। यहाँ पे गैस का वॉल्यूम कितना दे रखा है आपको? 6 लीटर। अगर ये आइडियली बिहेव कर रही होगी तो क्या पीवी इक्वल टू एनआरटी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं क्या? यस, क्यों? जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन होगी वॉल्यूम की वो रियल गैस के लिए होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको वॉल्यूम ऑफ रियल गैस आप किसके बेसिस पे निकाल सकते हैं? ए फैक्टर और बी फैक्टर के बेसिस पर। तो ए फैक्टर बी फैक्टर का वैल्यू तो आपको गिवन नहीं है, बट आइडियल गैस का वॉल्यूम आप पीवी इक्वल टू एनआरटी के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसमें जो वॉल्यूम है वो रियल गैस का होगा, आइडियल गैस का वॉल्यूम आप कैसे निकालेंगे? एनआरटी अपॉन पी से। अगर यहाँ पे नाइट्रोजन आइडियली बिहेव कर रही होगी तो यहाँ पे 280 पर प्रेशर इसका वॉल्यूम कितना है? 6 लीटर। तो यहाँ पे इसका 280 पर कितना वॉल्यूम होगा वो आप कैलकुलेट कर लें। मोलर वॉल्यूम मीन्स एक मोल का वॉल्यूम इसका 6 लीटर है। आइडियल होता तो एक मोल का वॉल्यूम कितना होता? 0.0821। टेम्परेचर कितना है? 273 अपॉन प्रेशर कितना है? 280 एम। इसका वैल्यू क्या इतना होता है? 22.4 लीटर। तो बाय 2 करेंगे तो 11.2 लीटर। अगर आइडियली बिहेव करती तो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती? 11.2। तो 6 अपॉन 11.2, तो जेड क्या आ रहा है आपको? लेस देन 1 मिल रहा है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन भी क्या होगा? करेक्ट होगा, यानी यहाँ पे भी क्या कर रही होगी? गैस मोर कंप्रेसिबल होगी, राइट। तो ए ऑप्शन और बी ऑप्शन में गैस क्या होगी? मोर कंप्रेसिबल होगी। नेक्स्ट थर्ड बात करें, गैस
ए इज एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर लेस देन क्रिटिकल प्रेशर। यस देखिए यहाँ पे आप केवल लैंग्वेज पढ़ के ही समझ लें कि गैस रियल गैस आइडियल बिहेवियर कब शो करती है, जब उसका टेम्परेचर बॉयल टेम्परेचर है उससे ज्यादा होता है। क्रिटिकल टेम्परेचर तो वो होता है जिसके ऊपर आप गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते, बट लिक्विफाई नहीं कर पा रहे इसका मीन्स ये नहीं कि गैस का बिहेवियर आइडियल हो गया। लिक्विफाई नहीं कर पा रहे तो इसका मीन्स ये है कि अभी जब तक उसका टेम्परेचर बॉयल टेम्परेचर के बराबर नहीं पहुंचेगा तब तक वो रियल बिहेवियर ही शो करेगी। तो अभी गैस कैसी है, रियल बिहेवियर शो कर रही है। लो प्रेशर पर गैस के लिए जेड का वैल्यू क्या होता है, लो प्रेशर पे जेड क्या होता है, लेस देन वन होता है। हाई प्रेशर पे जेड क्या होता है, मोर देन वन होता है। तो आपको लो प्रेशर कंडीशन में रियल गैस के लिए लो प्रेशर कंडीशन दे रखी है, तो अगर लो प्रेशर कंडीशन तो जेड का वैल्यू क्या होगा, लेस देन वन ही होगा। तो मींस यहाँ पर भी गैस का बिहेवियर गैस के साथ मोर कंप्रेसिबल होगी, राइट। नेक्स्ट फोर्थ ऑप्शन की बात करें, गिवन है आपको H2 गैस एट STP, तो STP पर हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए और हीलियम के लिए जेड का वैल्यू क्या होता है, ग्रेटर देन वन ही होता है। तो यहाँ पे जेड क्या होगा, ग्रेटर देन वन होगा, तो गैस क्या होगी यहाँ पे, लेस कंप्रेसिबल होगी। नेक्स्ट फिफ्थ हम बात करें, फिफ्थ ऑप्शन गिवन है गैस हैविंग देयर टेम्परेचर अबव देयर बॉयल टेम्परेचर। तो बॉयल टेम्परेचर क्या होता है, वो टेम्परेचर जिस पर गैस आइडियल बिहेवियर शो करना शुरू करती है। आपने टेम्परेचर, तो जब गैस आइडियल बिहेवियर शो करना शुरू करती है तो जेड का वैल्यू क्या होता है, वन के बराबर। अब आपने क्या कर दिया, वहां पे टेम्परेचर को बॉयल टेम्परेचर से ऊपर ले गए, यानी गैस को और ज्यादा आपने क्या कर दिया, स्प्रेड कर दिया है। तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, और ज्यादा बढ़ जाएगा, किसके रेस्पेक्ट में, आइडियल के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो वहां पे गैस क्या होगी, लेस कंप्रेसिबल। तो यहाँ पे जो फिफ्थ ऑप्शन है उसमें जेड क्या होगा, ग्रेटर देन वन, तो जेड ग्रेटर देन वन है तो क्या होगा, लेस कंप्रेसिबल, राइट। नेक्स्ट सिक्स ऑप्शन की बात करें, सिक्स गिवन है गैस हैविंग देयर टेम्परेचर बिलो देयर बॉयल टेम्परेचर। तो यहाँ पे अगर हम थर्ड ऑप्शन और सिक्स ऑप्शन को देखें तो लगभग दोनों सिमिलर हैं। उसमें क्या बोला था, गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर पर यानी बॉयल से तो कम ही है, मीन्स वहां पे बिहेवियर क्या था, रियल बिहेवियर ही था। तो लो प्रेशर पे और रियल बिहेवियर हो तो आप जेड का वैल्यू क्या लेते हैं, लेस देन वन। और यहाँ पे बोला है बॉयल टेम्परेचर से नीचे, तो अगर बॉयल टेम्परेचर से नीचे है तो अभी भी गैस का बिहेवियर कैसा है, रियल है। और अगर आप लो प्रेशर की बात करेंगे तो लो प्रेशर रीजन में जेड का वैल्यू क्या होता है, लेस देन वन होता है। तो इसमें क्या होगा, लेस देन वन होगा, तो मीन्स ये गैस क्या होगी, मोर कंप्रेसिबल होगी। नेक्स्ट सेवन पॉइंट की बात करें, सेवन पॉइंट आपको गिवन है CH4 गैस एट 333 केल्विन एंड इन लो प्रेशर रीजन, बॉयल टेम्परेचर गिवन है आपको TB कितना, 60 डिग्री सेल्सियस। तो मीन 60 प्लस 273 एड कीजिएगा, 333 केल्विन ही आपको आ रहा है। तो बॉयल टेम्परेचर कितना है, 333 केल्विन है, और गैस कितने टेम्परेचर पर है, 333 केल्विन पर ही है। तो मींस यहाँ पे गैस अगर बॉयल टेम्परेचर पर होती है तो बॉयल टेम्परेचर क्या है, वो टेम्परेचर जिस पर गैस का बिहेवियर क्या होता है, आइडियल होता है। तो जेड का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर वन होगा, राइट। तो यहाँ पे मोर कंप्रेसिबल कब होगी, जब जेड का वैल्यू लेस देन वन आ रहा होगा। तो जेड का वैल्यू लेस देन वन कब आया आपको, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, इसमें क्या है, यहाँ पर मोर देन वन है, और इसमें क्या है, सिक्स में लेस देन वन, और सेवन में क्या है, इक्वल टू वन। तो फर्स्ट, थर्ड एंड सिक्स ऑप्शन आपके लिए मोर कंप्रेसिबल होगा, राइट। जो पेपर वन का सेक्शन वन का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर हम 47 देखते हैं, जिसमें कुछ स्टेटमेंट दिए हैं और उसमें हमें करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट लिखा है कि होमोलोगस सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ जनरल फॉर्मूला। तो बच्चों ये बात सही है, अगर हम होमोलोगस सीरीज की बात करें, जैसे अगर एल्केन है तो एल्केन के लिए जनरल फॉर्मूला बच्चों CnH2n+2 होता है, ठीक है। एल्कीन की बात करें तो अगर जैसे एल्कीन है तो एल्कीन का जनरल फॉर्मूला है बच्चों CnH2n। इस तरह से अगर हम अल्काइन देखें बच्चों तो CnH2n-2 जनरल फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो होमोलोगस सीरीज को हम एक जनरल फॉर्मूले से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, तो ये बात बच्चों सही है। फिर कह रहा है कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड डिपेंड्स ऑन फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप जैसे बच्चों अल्कोहल है, ठीक है, तो या फंक्शनल ग्रुप बच्चों जैसे एल्डिहाइड है या एसिड है, ठीक है। तो किसी भी कंपाउंड का जो केमिकल प्रॉपर्टीज होता है वो फंक्शनल ग्रुप पर डिपेंड करता है बच्चों, ये बात भी सही है, थ्योरेटिकल स्टेटमेंट है बच्चों। फिर नेक्स्ट है, ग्रुप्स ऑब्टेन्ड बाय द रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एल्केन आर कॉल्ड अल्काइल ग्रुप्स। तो ये एल्केन है, अगर हम हाइड्रोजन हटाते हैं तो एक फ्री वैलेंसी जनरेट होती है, तो जो एल्केन
एल्केन से हाइड्रोजन हटाने के बाद मिलता है बच्चों आपको अल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो हम एएनई हटा करके वाईएल लगा देते हैं, तो एल्केन से वन हाइड्रोजन हटाने के बाद अल्काइल ग्रुप बनता है। तो बच्चों ये स्टेटमेंट भी सही है। फिर कह रहा है कि एल्काइन कंसिस्ट ऑफ टू डबल बॉन्ड्स इन देयर मॉलिक्यूल। तो बच्चों एल्काइन में दो डबल बॉन्ड नहीं होते हैं, एल्काइन में क्या होता है, वन ट्रिपल बॉन्ड होता है बच्चों, ठीक है। तो सही स्टेटमेंट है बात बच्चों आपके ए बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48, जिसमें कुछ आईयूपीएसी नेम्स कंपाउंड के गिवन है, इसमें बताने हैं इनकरेक्ट आईयूपीएसी नेम क्या है, ठीक है बच्चों। देखिए अगर हम इसकी बात करें तो बच्चों ये फिनॉल है, ठीक है, और नंबरिंग अगर करें तो 1, 2, 3 एंड 4, तो 3 और 4 का सब्स्टिट्यूएंट है 3,4 डाइमिथाइल फिनॉल, ये बच्चों सही है, ठीक है। अब बच्चों इस बी ऑप्शन क्वेश्चन जो 48 है इसका अगर हम ऑप्शन बी देखें, इसमें लिखा है 3-thyl-4-methyl-1-nitrobenzene। बच्चों हम इसमें देखें ये सब के सब सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हैं, तो उनकी नंबरिंग कुछ ऐसे करेंगे कि इनका सब्स्टिट्यूएंट का सम जो हो बच्चों वो लोवेस्ट हो। तो बच्चों यहाँ पर देखिए नंबरिंग ऐसे होगी 1, 2 और ये 3 एंड ये 4। बच्चों 4 नाइट्रो आएगा और 3 पर इथाइल होगा, जो कि इनकरेक्ट है नंबरिंग के हिसाब से, ये नेम जो है बच्चों मैच नहीं करता। अगर हम बच्चों इसमें बात करें तो इसमें सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है बच्चों, ये रिंग जो होगा ये सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा, तो 1, 2, 3, 4 एंड 5 तो रिंग सब्स्टिट्यूएंट होगा, तो ये बच्चों ये नेम भी आपका मैच नहीं करता है, ठीक है, ये भी इनकरेक्ट हो गया। अगर बच्चों हम इसकी बात करें तो इसमें जो साइनाइड है बच्चों ये प्रिंसिपल ग्रुप हो जाएगा, तो इसको हम बेंजीन कार्बोनाइट्राइल कहते हैं बच्चों, जो कि एक तो नेम ये सही नहीं लिखा है। दूसरी बात करें तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी 1 और 2 फिर 3, 4 एंड 5, ठीक है बच्चों। तो CN प्रिंसिपल ग्रुप होने के कारण तो इसमें बच्चों 2 ब्रोमो होगा, जबकि ये भी गलत लिखा हुआ है, ये नंबरिंग के हिसाब से ये जो नेम दिए हुए हैं वो सही नहीं है, ठीक है। तो आपके आंसर है बच्चों B, C एंड D। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज आर करेक्ट फॉर द प्रॉपर्टीज मेंशन इन द ब्रैकेट। तो बच्चों ब्रैकेट की बात करें तो यहाँ पर लिखा है कि NH3+ और NO2 में इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट को कंपेयर किया गया है। बच्चों देखिए इन जनरल क्या होता है कि पॉजिटिवली चार्ज जो ग्रुप होते हैं उनका माइनस आई पावर न्यूट्रल वाले ग्रुप से ज़्यादा होता है बच्चों। तो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये NH3+ जो है इसका माइनस आई पावर NO2 से ज़्यादा होगा, तो बच्चों ये क्या है, ये सही है, ठीक है। फिर बात करें यहाँ पर प्लस आई पावर की, तो प्लस आई पावर बच्चों नेगेटिवली चार्ज जो ग्रुप होते हैं या एटम होते हैं उनका प्लस आई पावर न्यूट्रल से ज़्यादा होता है। फिलहाल बच्चों यहाँ पर दोनों में ही चार्ज दिया हुआ है, तो इसमें देखिए तो ऐसे केस में बच्चों CH2 का प्लस आई पावर ज़्यादा होता है O माइनस से, क्योंकि कार्बन पर नेगेटिव चार्ज ये बर्दाश्त नहीं करेगा और ये आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेगा, ठीक है। ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल रहेगा तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट नहीं करेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर जो कि प्लस आई पावर है बच्चों वो CH2- का ज़्यादा होगा O माइनस से, जो यहाँ पर ये सही से मैच नहीं किया हुआ है, ऐसा होना चाहिए था। बच्चों नेक्स्ट देखिए, अब प्लस एम पावर की बात कर रहे हैं बच्चों, ध्यान दीजिए ये ग्रुप एनहाइड्राइड है और ये वाला ग्रुप एस्टर का है। अगर हम पावर को कंपेयर करें तो बच्चों देखिए माइनस एम पावर को कंपेयर करें, ध्यान दीजिएगा बच्चों, तो माइनस एम से इलेक्ट्रॉन विड्राइंग पावर होती है बच्चों। तो क्या है कि कोई कॉन्जुगेटेड सिस्टम है और उसमें तो इस तरीके का कोई ग्रुप लगा हुआ है जो कि इलेक्ट्रॉन विड्राइंग नेचर का है, ये क्या करेगा, कॉन्जुगेटेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉन को बाहर पुल करेगा, ये ऐसे खींचेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो C डबल बॉन्ड O है बच्चों ये किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम से कनेक्टेड है, ये जितना ज़्यादा डेफिशिएंट होगा उतनी तेजी से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो बच्चों इसमें देखिए यहाँ पर ये लोन पेयर है, ये इसको रेजोनेंस प्रोवाइड कर रहा है, तो इसके खुद के इंटरनल रेजोनेंस की वजह से जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा उससे ये इलेक्ट्रॉन आसानी से पुल नहीं कर पाएगा, ठीक है। बच्चों देखिए वो चीज़ यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर एक ये इधर का रेजोनेंस चल रहा है, ठीक है। तो ये लोन पेयर बच्चों इन लोन पेयर के नेचर में फ़र्क है, तो ये वाला जो लोन पेयर है बच्चों ऑक्सीजन का, ये डायरेक्टली C डबल बॉन्ड O के साथ रेजोनेंस में है, तो इधर कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा
उसके साथ इलेक्ट्रॉन निकालने में इसको दिक्कत आएगी। लेकिन बच्चों इसमें देखिए, अगर इसका जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम से अटैच होगा, क्योंकि इसका इधर रेजोनेंस चल रहा है, तो इसका ध्यान इस वाले रेजोनेंस की तरफ भी कम होगा, डिवाइडेड होगा, ठीक है। तो डिवाइडेड होने की वजह से ये यहाँ पर रेजोनेंस आसानी से कर सकता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें इसमें, तो माइनस एम पावर इस एनहाइड्राइड का माइनस एम पावर एस्टर से ज्यादा होता है, क्योंकि बच्चों ये तो सिर्फ लोन पेयर एक ही जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड है, इधर ही जाएगा, लेकिन ये वाला लोन पेयर बच्चों डिवाइडेड है, इसके इधर भी जाने के चांसेस है, इधर भी जाने के चांसेस है। तो कहीं ना कहीं ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम से ये सी डबल बॉन्ड ओ इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल लेगा, ये मतलब है इस चीज का। तो ये बच्चों ये सही है, ठीक है। इसके बाद देखिए हम प्लस एम पावर की बात करें, तो NH2 का प्लस एम पावर बच्चों SH से ज्यादा होता है, क्योंकि तो सल्फर बच्चों थर्ड पीरियड का है, ठीक है, और इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल भी है, साइज भी बड़ा है, तो बड़े साइज होने की वजह से ये आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा, जबकि नाइट्रोजन बच्चों सेकेंड पीरियड में है, ठीक है, और ये आसानी से, क्योंकि कार्बन के साथ ही कार्बन और नाइट्रोजन बच्चों दोनों ही सेकेंड पीरियड के होते हैं, सेकेंड पीरियड के हैं, तो 2p2p का ओवरलैप आसान होता है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन बच्चों इसमें अच्छा जाएगा, ठीक है। और सल्फर थर्ड पीरियड का होगा, और कॉन्जुगेटेड सिस्टम तो बच्चों जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेशन वगैरह होते हैं, जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है वो कार्बन का ही होता है, ठीक है। तो सेकेंड पीरियड के साथ जो इलेक्ट्रॉन डोनेशन है वो फास्ट होता है, जिसकी वजह से NH2 का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर SS से ज्यादा होता है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 49 में हमें सही आंसर्स मिले ए सी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50, जिसमें पूछ रहा है कि डी लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पॉसिबल। तो डी लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब बच्चों जिसमें रेजोनेंस हो रहा हो, हमें ये सिस्टम देखना है जिसमें रेजोनेंस पॉसिबल हो। बच्चों रेजोनेंस देखिए, ये लोन पेयर, तो लोन पेयर और ये जो कार्बन के साथ पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है, ठीक है। बच्चों इसमें देखिए, ये नेगेटिव चार्ज और सल्फर के पास क्या होते हैं बच्चों, वैकेंट डी ऑर्बिटल, थर्ड पीरियड के एलिमेंट है ये भी बच्चों। ये सल्फर के इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज है, कार्बन का नेगेटिव चार्ज है, इस सल्फर के वैकेंट ऑर्बिटल में ट्रांसफर हो जाएंगे, तो बच्चों ये रेजोनेंस भी पॉसिबल है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज वैकेंट ऑर्बिटल, और जो लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज वाला रेजोनेंस बनेगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और वैकेंट ऑर्बिटल वाला रेजोनेंस है बच्चों। अगर हम इसकी बात करें तो जो अगेन नाइट्रोजन पर लोन पेयर होते हैं, और इसमें क्या है बच्चों, लोन पेयर वैकेंट पी वाला रेजोनेंस चलेगा, क्योंकि बोरोन के पास बच्चों क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसमें भी बच्चों रेजोनेंस बन जाएगा, लेकिन बच्चों इस पे कोई भी रेजोनेंस नहीं होगा, यहाँ पर डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, क्योंकि ये चार्ज जो है बच्चों ये कॉन्सेंट्रेटेड है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, ठीक है। तो बच्चों हमें जो ऑप्शंस से आंसर्स निकल के आते हैं वो है बच्चों ए बी एंड सी, जिसमें डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 सेक्शन 2 का, जिसमें पूछा है कि गिवन कंपाउंड है, इस कंपाउंड के पेरेंट चेन में कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड और फिर सब्स्टिट्यूएंट, ये नंबरिंग का तरीका होता है बच्चों। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बच्चों इसमें क्या है, कीटोन है, तो इस साइड से नंबरिंग करेंगे बच्चों 1, 2, 3 और 4। अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है, अनसेचुरेशन आ रहा है, तो हम उस तरफ चलते हैं 5 और 6। तो ये बच्चों है इसका प्रिंसिपल कार्बन चेन, और प्रिंसिपल कार्बन चेन में जो कार्बन के नंबर है वो कितने हैं बच्चों, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58, जिसमें ओजोनोलिसिस करवाया गया है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, और एक्स डिफरेंट प्रोडक्ट बनते हैं, देखिए कितने हो सकते हैं बच्चों। अगर हम इसको यहाँ से कट करें, डबल बॉन्ड से कट करेगा, ये डबल बॉन्ड से कट करेगा, डबल बॉन्ड से, और यहाँ पर क्या बच्चों CH2, ऐसे ही CH2 बच्चों यहाँ पर होगा, यहाँ हर जगह CH2 होगा, तो एक प्रोडक्ट ये मिला बच्चों CH2। और ओजोनोलिसिस में बच्चों क्या करते हैं, डबल बॉन्ड तोड़ करके हम ऑक्सीजन लगा देते हैं। अब दूसरा पार्ट जो अलग हो रहा है बच्चों, ये रिंग वाला है, तो रिंग में देखिए हर जगह हर कार्बन पर रिंग में डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ये डबल बॉन्ड, और एक एक ऑक्सीजन आ जाएगा यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। ये पोर्शन जो बच्चों काम यहाँ पर हुआ है, वो काम यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, सब जगह एक ही तरीके का अरेंजमेंट है, तो दो प्रोडक्ट आपको निकल के आए डिफरेंट जो है वो 2 हो गए, एक्स की वैल्यू आ गई बच्चों 2। अब देखिए हम जब
H2 निकिल मिलाते हैं तो बच्चों अनसैचुरेटेड कंपाउंड सैचुरेटेड में चेंज हो जाएगा, तो सारे डबल बॉन्ड बच्चों सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएंगे, तो हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। सारे के डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बना दीजिए बच्चों आप, कुछ ऐसा दिखेगा। ये बच्चों कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब बात करें बच्चों, इसमें हम क्लोरीनेशन करवाते हैं, मोनोक्लोरीनेशन करवाते हैं, तो एक्स डिफरेंट स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट बनते हैं उनकी संख्या बतानी है। तो बच्चों इसमें देखिए, अगर हम इस मॉलिक्यूल को ऐसे कट करें इस तरीके से बच्चों, ये वाला पार्ट ये पार्ट एग्जैक्टली सेम मैच करता है, ठीक है। तो इस लाइन में जो चीजें आ रही हैं बच्चों, ए बी और ये सी और ये डी, ये डिफरेंट फोर। इसी तरीके से बच्चों ये पोर्शन मैच करता है, तो ये ई और एफ। तो बच्चों ये इतनी पोजीशंस हैं जहां पर हम हाइड्रोजन को हटा करके क्लोरीन लगा सकते हैं, तो जो जेड है बच्चों वो सिक्स प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। तो बच्चों जेड सिक्स है और एक्स टू है, तो एक्स प्लस जेड की वैल्यू निकाले बच्चों, तो 2 + 6 आ जाएगा, आंसर मिलेगा बच्चों आपको 8। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59। इसमें आइसोहेक्सेन का मोनोक्लोरेशन कराते हैं और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आपको बताने हैं कितने बनेंगे प्रोडक्ट में, ठीक है। तो देखिए आइसोहेक्सेन इस तरीके से है, CH3, CH2, CH2, CH3, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 कार्बन है बच्चों। अब मोनोक्लोरेशन का मतलब है बच्चों हाइड्रोजन को हटा करके क्लोरीन आता है, और जितने तरीके का इसमें बच्चों कार्बन है उतने तरीके का ही हाइड्रोजन होगा। तो अगर हम बच्चों इसको देखें तो ये मॉलिक्यूल कैसा है बच्चों, इसमें 1, 2, 3, 4, 5 है, तो अगर हम बीच में यहीं भी कहीं भी ऐसे देखें बच्चों, तो ये कार्बन बीच का कार्बन है, ऑड प्रिंसिपल चेन 5 कार्बन की है, तो बच्चों हमने बीच के कार्बन को सिलेक्ट किया। अब बच्चों इससे देखिए, इसका लेफ्ट और राइट वाला पोर्शन देखिए एग्जैक्टली मैच नहीं करता बच्चों। ये कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन डिफरेंट होगा, ये बी और ये सी और ये डी और ये ई टाइप का होगा, ठीक है। और ये बच्चों बी से जुड़ा हुआ CH3 है, वैसे CH3 ये जुड़ा हुआ ये ए टाइप का होगा। तो बच्चों इसमें 5 स्ट्रक्चरल मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनेंगे बच्चों इसमें, क्योंकि जितने तरीके का कार्बन होगा उन सभी कार्बन से आप हाइड्रोजन को हटा करके क्या लगा सकते हैं, क्लोरीन लगा सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो इसके 5 प्रोडक्ट बनेंगे। नेक्स्ट देखिए बच्चों, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल विथ मोलिकुलर फॉर्मूला C5H12O विच कैन शो इंस्टेंट टर्मिनेबिलिटी विथ ल्यूकास रिएजेंट। बच्चों ल्यूकास रिएजेंट क्या है, ल्यूकास रिएजेंट है बच्चों एनहाइड्रस ZnCl2 और कॉन्सेंट्रेटेड HCl, ठीक है। तो ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट अल्कोहल के लिए इस्तेमाल करते हैं बच्चों। अल्कोहल में जो रेट होता है रिएक्शन का, 3 डिग्री अल्कोहल फास्ट रिएक्शन देता है, फिर 2 डिग्री अल्कोहल, फिर प्राइमरी अल्कोहल में स्लो रिएक्शन होती है, बहुत ही स्लो या नहीं होती है, ठीक है। तो अगर हम बात करें ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट की, तो 3 डिग्री अल्कोहल ये बच्चों देता है इंस्टेंट टर्बिडिटी, ठीक है। तो 3 डिग्री अल्कोहल इंस्टेंट टर्बिडिटी प्रोड्यूस करता है, और यही आपसे पूछ रहा है। इसका मतलब ये अल्कोहल कैसा होगा, 3 डिग्री वाला होगा। अब कितने बनेंगे ये वो आपको बताने हैं, इसके जो आइसोमर्स हैं। तो बच्चों देखिए 3 डिग्री अल्कोहल है तो ऐसा OH होगा, अब 3 अल्काइल ग्रुप उससे जुड़े होंगे, तो आप स्टार्ट करते हैं कम से कम कार्बन से, जैसे ये CH3 हो गया, ये CH3 हो गया। बच्चों टोटल कार्बन है 5, हमने कितने लिखे, 1, 2, 3, 2 कार्बन बचे C2H5। बच्चों इन सबका सिर्फ एक ही अरेंजमेंट पॉसिबल है, C2H5 को हम इथाइल ग्रुप ही और कुछ नहीं लिख सकते, ये मिथाइल है, तो सिर्फ एक अरेंजमेंट पॉसिबल है बच्चों इसमें। तो आंसर मिलेगा आपको बच्चों 1, ठीक है। बच्चों हमने डिस्कस किया पेपर 1 CT1। वेलकम बैक बच्चों, अब बात करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के CT1 पेपर में, पेपर वन का जो पेपर था पेपर 1 उसकी बात करेंगे। उसमें इनऑर्गेनिक कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कि कौन कौन से इनऑर्गेनिक क्वेश्चन आए थे। बेसिकली इसमें जो क्वेश्चंस आए हैं वो पीरियोडिक टेबल पे बेस्ड हैं, और पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चंस बहुत सारे हो चुके हैं, तो आसान क्वेश्चन थे, एक बार देख लेते हैं कि इनको सॉल्व कैसे करना है, कॉन्सेप्ट क्या लगेगा इनमें, ठीक है। एंड जो इसमें क्वेश्चंस आए हैं ना, जनरली वही ट्रेंड रहेगा कि आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज दे दी जाएंगी पीरियोडिक टेबल की, और पूछा जाएगा कि उनमें से कौन सी करेक्ट है। तो जनरल क्वेश्चंस आने का तरीका भी यही है, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान से करें, ठीक है। शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 एक क्वेश्चन था, और क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया था
कि सिलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर, सिर्फ आपसे करेक्ट ऑर्डर पूछा गया था और करेक्ट ऑर्डर में आपके पास दे रखा था पहला ए, ए में दे रखा था आपको स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट है ना, और स्क्रीनिंग इफेक्ट में उन लोगों ने लिखा हुआ था एस पी डी एफ, ये लिखा हुआ था स्क्रीनिंग इफेक्ट फॉर सेम एन, फॉर सेम एन, फॉर सेम एन, इसके लिए स्क्रीनिंग इफेक्ट पूछा हुआ है ना। अगर आप ध्यान से देखें तो स्क्रीनिंग इफेक्ट किस पे डिपेंडेंट होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे डिपेंडेंट होता है, कितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, मोर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर विल बी द स्क्रीनिंग इफेक्ट, इस चीज पे वो मैटर करता है। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पे डिपेंड करेगी, साइज पे, अगर साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, जनरली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी है ना। तो अब बेसिकली अगर आप देखो तो एन जब कॉन्स्टेंट रहेगा तो सबसे छोटा कौन सा होगा, एस, उसके बाद पी, उसके बाद डी, उसके बाद एफ, जिसका सबसे ज्यादा छोटा साइज उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, और अगर उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा तो उसकी स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा, उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहां पर आपके पास जब स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात की जाती है और आप ट्रेंड की बात करते हैं तो ये पॉइंट सही है कि एस का स्क्रीनिंग सबसे ज्यादा होगा, एफ का स्क्रीनिंग सबसे कम होगा, बिकॉज एस का साइज छोटा है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से वो रिपल्शन ज्यादा दिखाएगा और स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा दिखाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसी में बी था आपके पास और बी में आपसे पूछा गया था एटॉमिक साइज, ठीक है, और एटॉमिक साइज आपको दे रखा था एनी एफ ओ नाइट्रोजन कार्बन, इस तरह से दे रखा था, ठीक है। अब आपको एक चीज पता है, एक जनरल ट्रेंड पता है कि अक्रॉस द पीरियड जाते समय साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है, अक्रॉस द पीरियड जाते समय साइज क्या करता है, डिक्रीज। तो अगर मैं इस ट्रेंड को लिखना चाहूं सही से, मैं तो कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन लिख सकता हूं मैं, है ना, इस तरह से लिख सकता हूं। अब मैं इसमें ट्रेंड बताऊं तो अक्रॉस द पीरियड जा रहे हैं, अक्रॉस द पीरियड जा रहे हैं क्या करेगा, साइज डिक्रीज करेगा, साइज डिक्रीज करेगा, और अगर साइज डिक्रीज कर रहा है कैसे डिक्रीज करेगा, कार्बन से नाइट्रोजन का साइज क्या होगा, डिक्रीज हो, ठीक है, उसके बाद डिक्रीज, उसके बाद डिक्रीज, और फिर इंक्रीज होता है, फिर क्या होता है, इंक्रीज होता है। हाँ, नाइट्रोजन का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है एज कंपेयर टू कार्बन, ठीक है। तो यहां पर जो ट्रेंड होगा, क्योंकि ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में नाइट्रोजन का साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ज्यादा बड़ा नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो फ्लोरीन का साइज ऑक्सीजन से छोटा होना चाहिए, जबकि यहां पर फ्लोरीन का साइज ऑक्सीजन से बड़ा दिखा रखा है, फ्लोरीन का साइज ऑक्सीजन से बड़ा दिखा रखा है। तो सिंपल सा ट्रेंड है, अक्रॉस द पीरियड जाने पर साइज डिक्रीज करता है, और अगर साइज डिक्रीज करेगा तो क्या करेगा, आपका ये वाला ट्रेंड फॉलो नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर ये ट्रेंड फॉलो नहीं हो सकता तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका गलत, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत, ठीक है। तो ये हो गया आपका गलत। नेक्स्ट आपसे पूछा गया सी, ऑप्शन सी में पूछा गया आपसे आयनाइजेशन एनर्जी, ऑप्शन सी में आपको आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड दे रखा है, आयनाइजेशन एनर्जी आपको रखा है नियॉन फ्लोरीन नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन, ये ट्रेंड दे रखा है, है ना। अच्छा, इस ग्रुप को हम दोबारा से लिख लेते हैं, हमने क्या पढ़ा था, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन, ठीक है। अक्रॉस द पीरियड जाते जाते क्या होता है कि साइज डिक्रीज करता है तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है, क्योंकि जितना छोटा साइज होगा उससे इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, क्यों, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन आइसोलेटेड फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैस एटम, ठीक है। अब अगर आप इसमें देखो तो यहां से यहां जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती है, इंक्रीज करती है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती है, इंक्रीज करती है। इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्यों इंक्रीज करती है, जबकि नियॉन का साइज तो बड़ा है, क्योंकि ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये फंडा अलग हो गया। अब अगर ध्यान समझो, ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ये कुछ नहीं, तो जब हमने पढ़ा था तो हमने एक चीज पढ़ी थी कि जब भी आपका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा तो क्या करेगा, वो एक आगे जंप मार देगा, ठीक है। और जंप मार के क्या हो जाएगा, कार्बन से ज्यादा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ज्यादा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का फ्लोरीन, फ्लोरीन से ज्यादा नियॉन। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि नाइट्रोजन के पास है हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नाइट्रोजन के पास क्या है, हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और उससे इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होगा, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन निकालना उससे मुश्किल है, इस वजह से इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। इसकी वजह से अब देखो ये वाला और ये दोनों सेम है, तो इस वजह से ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट आपसे पूछा गया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, डी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपसे पूछा गया फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन,
ये दिया गया आपको, और आपसे पूछा गया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बता दीजिए, है ना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर आप इसमें से देखोगे तो जनरल आप देखो कि क्लोरीन का साइज क्या होता है, बड़ा होता है, और फ्लोरीन का साइज छोटा होता है। जब इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन में एंटर करता है तो वो डिस्टेबिलाईज हो जाता है बिकॉज ऑफ द स्मॉलर साइज, जबकि क्लोरीन का साइज बड़ा है तो जब इसमें इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा तो वो उस चार्ज डेंसिटी को अपने में स्टेबलाइज कर सकता है, ठीक है। तो अगर वो चार्ज डेंसिटी को अपने में स्टेबलाइज कर पाएगा उसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। सिंपल सा एक फंडा है, आप छोटी सी एक बकेट लो और उस बकेट में आप पानी डालो, ठीक है, और एक बड़ी बकेट लो और उस बकेट में पानी डालो। अब अगर ये बकेट 2 लीटर की है, अगर उसमें 2 लीटर पानी डालता हूं तो क्या होगा, अनस्टेबल, यहां पर पानी ओवरफ्लो कर सकता है, लेकिन इस बकेट में बहुत आसानी से रह जाएगा। तो वही चीज यहीं पर फंडा लगता है कि आपके पास -1 जो चार्ज है जब फ्लोरीन पर आएगा, क्योंकि फ्लोरीन का साइज स्मॉल है तो वो डिस्टेबलाइज कर जाएगा, जबकि क्लोरीन का साइज बड़ा है तो वो आसानी से उस चार्ज को स्प्रेड कर सकता है, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर सकता है और स्टेबिलिटी बढ़ा सकता है। इसकी वजह से जो एक्चुअल ट्रेंड होता है वो क्लोरीन सबसे ज्यादा, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन होता है, ये एक्चुअल ट्रेंड होता है, जबकि यहां पर तो ट्रेंड क्या देखा है, फ्लोरीन और क्लोरीन का ट्रेंड, ठीक है। इसकी वजह से ये भी गलत है। तो आपके 2 करेक्ट ऑप्शन कौन से होंगे, एक स्क्रीनिंग इफेक्ट सही है और एक आयनाइजेशन एनर्जी सही है। एक स्क्रीनिंग इफेक्ट सही है, एक आयनाइजेशन एनर्जी सही है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपके पास था, क्वेश्चन नंबर 42 के बाद क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन था, है ना, 55, ठीक है। क्या पूछा था, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट्स हैविंग लेस आयनाइजेशन एनर्जी देन द नेक्स्ट एटॉमिक नंबर एलिमेंट। वो पूछ रहा है कि जो आप एक स्पेसिफिक एलिमेंट ऐसा ढूंढो जो जब नेक्स्ट एटॉमिक एलिमेंट को देखेंगे, नेक्स्ट एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट को देखेंगे, उससे उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम। तो थर्ड पीरियड एलिमेंट में ऐसा देखना है, देखो लिख लेते हैं, आपके पास क्या है थर्ड पीरियड एलिमेंट, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, है ना, और आपके पास क्लोरीन, ठीक है, एंड ठीक है, सॉरी, ठीक है, आपके पास ये, आपके पास क्या है, ये आपके पास थर्ड पीरियड एलिमेंट्स है। और थर्ड पीरियड एलिमेंट्स में आपको क्या बताना है, थर्ड पीरियड एलिमेंट्स में आपको बताना है कि किसका किसका अपने एडजेसेंट वाले से आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, ठीक है। देखो यहां से यहां जाने में साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है, यहां से यहां जाने में साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है। अगर यहां से यहां जाने में साइज डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, और ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम, राइट, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम। अगर इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है तो वही तो आपसे पूछा गया है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट हैविंग लेस आयनाइजेशन एनर्जी देन द नेक्स्ट एटॉमिक नंबर, इसके नेक्स्ट एटॉमिक नंबर से लेस एनर्जी, तो ये लेस एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी के साथ है, आईए के साथ है, तो इसको हम काउंट करें, ये हो गया, इसके बाद वाले की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, सिंपल टर्म से देखो तो इसके बाद वाले की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। नेक्स्ट मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम, अब मैग्नीशियम पे हाफ फुली फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है जबकि एल्यूमिनियम नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के साथ है, तो मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, एल्यूमिनियम से ज्यादा होती है, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे, इसको हम काउंट नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि इसके जो नेक्स्ट वाला है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी इससे कम है, जबकि क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, जबकि क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। नेक्स्ट एल्यूमिनियम से सिलिकॉन जब जाओगे तो एल्यूमिनियम से सिलिकॉन जाने पे एल्यूमिनियम की क्या होगी, साइज डिक्रीज कर रहा है तो एल्यूमिनियम की कम होगी, सिलिकॉन की ज्यादा होगी आयनाइजेशन एनर्जी, तो आयनाइजेशन एनर्जी सिलिकॉन की ज्यादा होगी, तो इसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, सिलिकॉन से फॉस्फोरस जाएंगे, सिलिकॉन से फॉस्फोरस में अगेन ये हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है, ये नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, तो जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम उसको हमें कैलकुलेट करना है, तो इसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, ठीक है, अब नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट आपके पास फॉस्फोरस सल्फर, क्या मैं फॉस्फोरस को ले सकता हूं, फॉस्फोरस का जो एडजेसेंट वाला है ये नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के साथ है, जबकि फॉस्फोरस के पास एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है, तो फॉस्फोरस की जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो इसके एडजेसेंट वाले से ज्यादा होगी, जबकि हमको क्या चाहिए, हमें चाहिए कि वो लेस होना चाहिए, है ना, हमें चाहिए, लेकिन ये लेस तो है नहीं, ये तो ज्यादा है, तो इसको हम कैलकुलेट, क्योंकि ये ज्यादा है इसको हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। चलिए सल्फर और क्लोरीन की बात करें, सल्फर और क्लोरीन साइज डिक्रीज कर रहे हैं,
साइज डिक्रीज कर रहा है, अगर साइज डिक्रीज कर रहा है तो इसके इलेक्ट्रॉनिक और इसकी आयनाइज एनर्जी कम, इसकी आयनाइज एनर्जी ज्यादा, तो ये भी कैलकुलेट किया जाएगा। और नेक्स्ट लास्ट क्लोरीन से आर्गन, अब इसको इन दोनों को देखोगे तो क्लोरीन क्या है नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, आर्गन क्या है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल, तो इसकी आयनाइज एनर्जी क्या होगी कम होगी, इसकी आयनाइज एनर्जी क्या होगी ज्यादा होगी, ये भी कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन में ही पूछा गया था कि एडजेसेंट वाले से ज्यादा है कि नहीं है, कम है कि नहीं है, और अगर एडजेसेंट वाले से कम है तो उसको आप लोगे और नहीं तो नहीं लोगे। तो इसमें कौन कौन सा है, सोडियम की मैग्नीशियम में कम है, मैग्नीशियम के एल्यूमिनियम से कम है क्या, नहीं ज्यादा है, तो इसको हमने कैलकुलेट नहीं किया। एल्यूमिनियम की सिलिकॉन से कम है, बिल्कुल कम है, क्यों, क्योंकि साइज डिक्रीज करा तो सिलिकॉन की ऑब्वियसली ज्यादा होगी। सिलिकॉन की फास्फोरस से कम है, बिल्कुल कम है, सिलिकॉन की फास्फोरस से कम है। फास्फोरस की सल्फर से कम है, नहीं, फास्फोरस की सल्फर से ज्यादा है, क्यों ज्यादा है, क्योंकि उसके पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, तो इसको हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। सल्फर की क्लोरीन से कम है तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्लोरीन की आर्गन से कम है तो क्लोरीन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कितने हो टोटल, टोटल मेरे पास पांच ऐसे एलिमेंट्स हो गए, पांच ऐसे एलिमेंट्स हो गए, कौन कौन से, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन सल्फर क्लोरीन, ये पांच ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके जिनका जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो अपने एडजेसेंट वाले से कम है। ठीक है, अपने एडजेसेंट वाले से क्या है, अपने एडजेसेंट एटॉमिक नंबर, हायर एटॉमिक नंबर वाले से कम है। ठीक है बेटा, तो बस बेटा यही क्वेश्चन थे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पेपर वन में। अब पेपर टू में आपसे मिलते हैं नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन के साथ जो बाकी बचे हैं। ठीक है, तब तक।